फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। चावदार कबीले में पैगाम भिजवा दो, असलहान खातून और तुर्गुत साहब के साथ आज शब बहादुर साहब बिजरगे में शिरकत करेंगे। हमें उनको काबू में रखना होगा। बहादुर सरदार अर्थरुल से शदीद नफरत करता है, अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो अपने आप से ही गद्दारी करेंगे आप। मेरे जंग से लौटने तक औताक और कबीले की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी होगी। अर्तुरुल साहब का दावत देकर जिरगे में बुलाना और हमसे मशवरा करना हमारे लिए बायसे शर्फ है। जंग के दौरान सिपाहियों को मजबूत रखने के लिए मुझे सोने की जरूरत पड़ेगी, तुम जानते हो, और मुझे शुबा है कि हमारे पास इतना सोना है भी या नहीं। तुम तैयारी कर लो और जब मैं इशारा दूं तुम्हें तो तुम कबीले पे हमला कर देना। हमें मंजनी के बनाना होंगी अर्तुरुल साहब। ये क्या कह रहे हैं, मंजनी के बनाने की क्या बात कर रहे हैं? मंजनीखे कैसे बनाएंगे हम बहादुर साहब? ये जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं अर्तुरुल साहब। मंजनीखे कैसे तैयार होती हैं ये मैं बखूबी जानता हूं अल्लाह के करम से। क्या आपकी बनाई गई ये मंजनीखें कारजयसर किले की फसलों के लिए काफी होंगी बहादुर साहब? सुल्तान के साथ पिछली मर्तबा जब हम जंग के सफर पर जा रहे थे ये मंजनीखें मैंने बजात खुद तैयार की थी। और ये 10 भारी पत्थरों को फेंकने की ताकत रखती हैं। काराजहसार किले की दीवारों में ये न सिर्फ सुराख कर देंगी बल्कि अल्लाह के हुक्म से उन्हें हिला कर रख देंगी। मुलाहिजा कीजिए अर्तुरुल साहब, ये मैं आपके लिए लेकर आया था। आपका हुक्म मिलते ही मैं अपने सिपाहियों के साथ इन मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दूंगा। दुश्मन को हमसे इस अमर को अंजाम देने की तवक्को हरगिज नहीं होगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो एक सुबह बेदार होगा तो इन अजीम मंजनीकों को अपने रूबरू देखकर दहशत से कांप उठेगा। सरदारान, चावदार कबीले के सिपाही तुर्गुत साहब की कमान में काम करेंगे। ये नीकिया से आने वाले रास्ते को मसदूद और किले में जाने वाली किसी भी इमदाद की तरसील को गैर यकीनी बनाएंगे। कारकन वाले, दौड़ वाले, दुर्गा वाले, यासिर वाले तुर्गुत साहब के साथ ताजा दम दस्तों के लिए मुआविनत करेंगे।
जैसा आपका हुक्म सरदार। दूसरे तमाम कबाइल दुरसुन सरदार की कमान में मशरिकी और मगरबी दरवाजों को और अतराफ के जंगलों को संभालेंगे। आप और आपके सिपाही मंजनीकों की तैयारी शुरू कर दें, यह जिम्मेदारी अहम है। किले की दीवारों में सुराख होते ही हम हमला कर देंगे और फिर दीगर कबाइल के सिपाही भी काई कबीले के जांबाज सिपाहियों के साथ शामिल हो जाएंगे। मेरी तलवार और मेरे सिपाहियों के अलावा मेरा तजुर्बा भी आपके लिए हाजिर है अर्तुरुल साहब। ये मंजनीकें कब तक तैयार हो जाएंगी बहादुर साहब? मंजनीकों की तैयारी के लिए मैंने जगह देख ली है, अल्लाह ने चाहा तो दो दिन में बनकर तैयार हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब, बहुत शुक्रिया। आप वक्त जाया किए बगैर काम शुरू कर दें। मैं आपकी हिफाजत के लिए सिपाहियों का एक दस्ता रवाना कर दूंगा। जैसा आप मुनासिब समझें अर्तुरुल साहब। अजीम तुर्क सरदारान, इस मारके के साथ हम सिर्फ कारा जैसार के सूबे की फतह का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही हम कुस्तुनतुनिया की फतह के सिलसिले का भी आगाज कर देंगे। और अगर फतह नसीब न हुई तो मुझे यकीन है कि हमारे कबाइल से ही कोई एक रोज आएगा जब अपनी ईमान से मामूर फौज के साथ अपनी पूरी ताकत लिए कुस्तुनतुनिया की उन अजीम फसीलों पर पूरी शान से इस्लाम का परचम खुद अपने हाथों से लहराएगा। हमारा काम अल्लाह के अजीम निजाम को इस जहान में कायम करना है। कारा जैसार, नीकिया और कुस्तुनतुनिया हमारे लिए काफी नहीं, हमारा हदफ सुनहरा सेब है, यानी सूरज तुलू होने वाली जमीन से सूरज गुरूब होने वाली जमीन तक कुल जहान है। जिहाद हमारा, कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की। हुए गोश्त को अच्छी तरह लपेटना समझ गई खातून? जी ठीक है हामा खानम। इनके सिरों को अच्छी तरीके से बांधना ताकि कुछ बाहर ना निकले। जी ठीक है हामा खानम। हमें ये मरहम अच्छी तरह यकजा करना है ताकि जब ये मरहम जख्म पे लगाएं तो वो जल्द ठीक हो जाए। जी ठीक है वालिदा। हाइमा खानम, माशाल्लाह आप काफी तजुर्बेकार हैं। बेटी,
सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, मेरे शौहर, मेरे वालिद, वो सब भी सरदार थे। मैं जंगे देखते हुए बड़ी हुई हूँ और हमेशा खवातीन की सरदार रही। जंग की तैयारी कैसे करनी है ये जानती हूँ मैं। हाइमा खानम, खातून सरदार होने का क्या मतलब है? जैसे औरतों की कमांडर? तुम ऐसा कह सकती हो बेटी। बताती हूँ मैं तुम्हें, गौर से सुनना। सुलेमान शाह को एक बार जंग पे रवाना किया था मैंने, तो अचानक हमें पता चला कि दुश्मन हमारे कबीले में ही मौजूद है। क्या आपने क्या किया फिर? क्या किया था हमने? मत पूछो बेटी। कबीले में मर्द कम थे और खवातीन ज्यादा। मैंने तमाम खवातीन को जमा किया और सब ने अपनी अपनी तलवारें हाथों में उठा ली। दुश्मन समझा था कि वो हमें आसानी से जेर कर लेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हम तुर्क खवातीन हैं। हम अपने कामों के साथ साथ तलवारें भी चलाना जानते हैं। जब उन्होंने कबीले पे हमला किया तो हमने उन्हें पछाड़ दिया। सुलेमान शाह जब दुश्मन को शिकस्त दे के कबीले वापस आए तो उन्हें खवातीन की फतह का इल्म हुआ। माशाल्लाह। देखो बेटी, जब कबीला हालत जंग में हो तो मर्द, खवातीन सब मिलकर जंग में शामिल होते हैं। तुम भी बहुत जल्द तलवार चलाना सीख जाओगी। तमाम खवातीन तलवार चलाने की मशकें शुरू करेंगी। गुंदूज बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? दादी, मैं तीर बना रहा हूँ, बस हो गया। किसके लिए तीर बना रहे हो? मैं बाबा को दूंगा ये तीर। क्या हुआ अगर मैं जंग पे नहीं जा सकता? बाबा इस तीर से अगर दुश्मन को मारेंगे तो लगेगा मैंने मारा है। ओह मेरे प्यारे गुंदूज, तुम्हारी बहादुरी पे दादी कुर्बान हो जाए, कुर्बान हो जाए, तुम पर कुर्बान हो जाए। ओह मेरा बच्चा। से बाहर जाने का ये खुफिया रास्ता है। ये जा कहां रहा है मालूम करना होगा मुझे। भाई, मंजनीकों की तैयारी के हवाले से बहादुर पर एतमाद करते हैं आप? उन मंजनीकों की तैयारी का बहादुर को इसलिए नहीं कहा कि उस पर एतमाद है, बल्कि इसलिए कहा कि वो उसे बनाना जानता है। जैसा कि मैंने जिरगे में कहा कि उनकी हिफाजत के लिए दस्ता भेजूंगा, तो वो दस्ता हिफाजत के साथ उसकी हर हरकत पर नजर भी रखेगा और हमें बर वक्त खबर भी पहुंचाएगा। इन सिपाहियों की कमान सामसा के हाथ में होगी। ठीक है भाई, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस तरह हम बहादुर की मंजनीक बनाने की सलाहियत से फायदा भी उठा सकेंगे और शाफदार कबीले से उसे दूर भी रख सकेंगे। सामसा और उसके सिपाही
उसकी हर हरकत और उसके आदमियों पर मुस्तकिल नजर रखेंगे। वो हर जगह उनके ताकुब में रहेंगे। असलहान खातून, हमारी यहां गैर मौजूदगी के दौरान कबीले की सलामती आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि ज्यादातर सिपाही तुर्गुत के साथ जंग में मौजूद होंगे। आपको हर तरह से काराजा खातून पर नजर रखना होगी। पूरी कोशिश करूंगी मैं, बेफिक्र रहें आप। बहुत शुक्रिया। क्या खबर है? मशरिकी दरवाजा आपके हुक्म के मुताबिक मजदूत कर दिया गया है। एरिस ने बाकी दरवाजे बंद करवा दिए हैं। किले से किसी के भी अंदर या बाहर जाने की सूरत में हमारे सिपाही हरकत में आ जाएंगे। बहुत खूब। हमने मगरबी दरवाजा मजदूत कर दिया भाई। आपके हुक्म के मुताबिक निकिया का रास्ता भी बंद कर दिया है। हमारे जाबाज सिपाही रास्ते के दोनों तरफ मौजूद है। माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कि इसी तरह पल पल की मालूमात फराहम करो मुझे। बमसी, सूरज तुलू होते ही किले जाओ और एरिस से कहो कि वो इस किले को हमारे हवाले कर दे। जो आपका हुक्म भाई। वो किला हमें नहीं देगा भाई। हम जंग की रिवायात के मुताबिक किला हवाले करने को कहेंगे। अब वो किला देना चाहता है या अपना सर, इस बारे में फैसला करना उसका काम है। का वस्त्र मजबूत होना चाहिए। जैसा आपका हुक्म आर्तुंग भाई। नेजा ऐसा हो कि सीने के आर पार हो जाए। बेफिक्र हो जाए भाई। शाबाश मेरे सिपाहियों। बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। क्या तलवारें वक्त पर तैयार हो जाएंगी? इंशाल्लाह हो जाएंगी आर्तुक भाई। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत शुक्रिया आर्तुक भाई। यहाँ हम जितनी ज्यादा तादाद में तलवारें तैयार करेंगे, जंग के दौरान हमारे भाई उतने ही ज्यादा मजबूत रहेंगे। अल्लाह हमारी मदद करे और मायूसी से बचाए। तुम्हारा काम आसान हो तुम्हारे लिए।
मेरे बहादुरों, हर एक सिपाही के लिए खिजा, मरहम और कपड़े मौजूद हैं। तुम्हारे जाने के बाद हम मजीद भी तैयार करते रहेंगे। अर्तुरुल तक ये पैगाम पहुंचा देना। जैसा आपका हुक्म है खानम। हमने सामान बार कर दिया है, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह तुम्हारा मकसद और जिहाद मुबारक करे। आमीन। तुम्हारी तलवारें कांटदार हो और तुम्हारे जिहाद का अंजाम सफरयाबी से हमकिनार हो। आमीन। चलो अब रवाना हो जाओ अल्लाह की अमान में। चलो जवानों, चलो जवानों, चलो जवानों, चलो 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 चलते हैं। चलो जवानों, चलो 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 चलो। अल्लाह पाक हमारे मुजाहिदों की मदद जुनूबी दीवारें अभी तक मजबूत नहीं हुई हैं कोस्तस। भूलना नहीं, अर्तुरुल हम पर उसी जगह हमला करेगा जहां हम सबसे कमजोर होंगे। तैयारियां 10 दिनों में पूरी हो जाएंगी जनाब। 10 दिन बहुत है कोस्तस। कारा चेसार अगर हाथ से निकल गया तो नीकिया भी निकल जाएगा। 3 दिन, 3 दिनों में अपनी तैयारियां हर सूरत मुकम्मल कर लो। अगर जरूरत हो तो मशाले रोशन कर लो, मगर दिन रात बराबर काम जारी रहना चाहिए। जो आपका हुक्म जनाब। अंदरूनी किला मुहासरे के लिए तैयार है। हमने खोलते हुए तेल के कड़ा और तीर कमान नस्ब कर दिए हैं। बाकी हथियारों की तैयारी भी मुसलसल जारी है। बहुत खूब, तैयारियां इसी तरह जारी रखो। अर्तुरुल का एलची बहुत जल्द यहाँ पहुंचता होगा जनाब। आपके ख्याल से वो क्या पैगाम ला सकता है? अर्तुरुल अपना एलची भेजकर महज जंग की रवायत पूरी कर रहा है और कुछ नहीं कोसस। मेरी कोई पेशकश उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। वो समझता है कि उसने मुझे और किले को महसूर कर दिया है, लेकिन मैं पहले ही चारों तरफ से उसके गिर्द घेरा तंग कर चुका हूं। वो अभी मेरी सलाहियतों से वाकिफ नहीं। देखना कैसे बेवकूफ बनेगा। हमारे खुफिया रास्तों तक कभी नहीं पता उसे। अभी जब वो हम पर हमला कर रहा होगा, मैं उस पर अकब से भरपूर हमला करके बुरी तरह पस पकड़ दूंगा। जितने एतमाद का मुजाहरा कर रहा है ना, ये मेरे हमले के बाद उतना ही दर्द सहेगा। सरदार को घेर लो, ये कोई चाल भी हो सकता है।
कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हानली बाजार के सोने के साथ क्या हुआ, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं बहादुर साहब। अच्छा, तुम लोग यहीं रुको। जमींदार अरित से कहना कि अर्तुरुल वहां जंग की तैयारियां कर रहा है और वो सोने के लिए फिक्रमंद है। उसे जानना चाहिए कि ये सोना उसे नहीं बचा पाएगा। आप ये समझते हैं कि वो सोने के लिए फिक्रमंद है? वो तो आपसे इत्तेहाद की राह देख रहा है। क्या वो जानता नहीं कि अपनी सल्तनत से कभी गद्दारी नहीं कर सकता मैं? अरिस का पैगाम सुल्तान से गद्दारी करना नहीं है, मगर आप दोनों एक ही शेख के मुतलाशी हो। हाँ, अर्तुरुल का सर सही कहा ना? आप एक समझदार शख्स हैं। अर्तुरुल के इकदामात से तिजारत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मजीद सोना नहीं आएगा। अहरिस का कहना है कि तिजारत के मामलात बेहतर हो जाएंगे अगर सरदार आला आप बन जाएं। अच्छा, फिर अर्तुरुल के मरने के बाद जमींदार अहरिस ही नहीं, अमीर सादुद्दीन भी आपके तहत ही होंगे, क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जो ये काम कर सकता है। अहरिस को मालूम होना चाहिए कि मेरा आहनी पंजा ना सिर्फ मेरे कबीले के लिए बल्कि अर्तुरुल को काबू करने के लिए भी काफी है। जनाब, अर्तुरुल साहब का एलजी करीब आता जा रहा है। बहुत खूब, आने दो अंदर उसे। सिपाहियों, मेरे भाइयों, बहुत मोहतात रहना होगा हमें। ये लोग इखलाकियात से वाकिफ नहीं हैं, गिरी हुई चाल चलने से हरगिज नहीं चूकते। तुम लोग जानते हो कि इनमें से कुछ को मारे बगैर शहीद नहीं हो सकते। बेफिक्र हो जाएं आप बंसी भाई, हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब परेशान ना हो बंसी भाई। जानता हूँ, अगर खिलाफे तवक्को ही कुछ करें तो सबसे पहले इनके कमांडरों को काबू करना तुम लोग, ताकि इनके सिपाही अपने मालिक के बगैर बिल्कुल तन्हा हो जाए। हम तैयार हैं अल्लाह के हुक्म से। हाँ। चलो मेरे शेरों, आ जाओ। क्या अर्तुरुल सरदार ने तुम्हें एलची बना के भेजा है बंसी साहब? पहले जिस तरह एतबार किया था वैसे ही जमींदार पे एतबार करके मुआहदा क्यों नहीं कर लेते वो? तुम्हारे फितने और फसाद से बखूबी वाकिफ है हमारे सरदार।
ये ना भूलो कि तुम यहाँ मेरे मेहमान के तौर पे मौजूद हो बंसी। जमींदार एरिस, आज से तुम इस किले में खुद को मेहमान समझो। अगर किले को हमारे हवाले ना किया तो तुम्हें कहीं भी राह फरार नहीं मिलेगी। मैं समझता था कि अर्तुरुल जंग की रिवायात को समझने वाला कमांडर है। क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसने हमसे गद्दारी करके हमारे अतमाद को धोखा दिया? हमारे सरदार इसलिए तुमसे किला लेना चाहते हैं ताकि किसी मासूम को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। अगर तुम्हारे सरदार ने जंग का इरादा मुलतवी ना किया तो खून की नदियां बह जाएंगी बंसी साहब। एरिस, सब जानते हैं कि तुम कितने बड़े शैतान हो। तुम्हारी बात की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं। जहां तक हमारी बात है तो हम अपना खून बहाने से हरगिज नहीं घबराते, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगर तुम नहीं चाहते कि कोई अपनी जान से जाए, अपने लोगों के बारे में अगर तुम इतने ही फिक्रमंद हो, किले को हमारे हवाले बगैर किसी शर्त के कर दो। अर्तुल सरदार की यही शर्त है। जावदार कबीले को फतह करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ यहाँ आने वाले सिपाही अर्तुरुल के अहकाम के पाबंद हों। वैसे भी असलहान खातून और तुर्कुत की खिदमत पर मामूर सिपाहियों को मैं वापस ले लूंगा। अर्तुरुल बिल्कुल तन्हा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सिपाही भी आपके साथ जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं। क्या वाकई किले में मैसूर सिपाहियों के लिए किला छोड़कर जंग के लिए निकलना कैसे मुमकिन होगा तीतान? ये हम पर छोड़ दें आप। बस इतना जान लीजिए, आपको जितने भी सिपाही चाहिए एरिस देने के लिए तैयार है। अगर तुम किले को छोड़कर राजदारी से बाहर निकल सकते हो तो फिर तुम अपने भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लेकर अपना किला भारी तादाद में तैयार होने वाली आतिशी मंजनीकों के हमले से बचा सकोगे। क्या यह अर्तुरुल किले के लिए तैयार करवा रहा है? बिल्कुल, हम मंजनीकें तैयार कर रहे हैं और इनकी तैयारी मेरे हाथ में है। इन्हें कहां तैयार कर रहे हैं आप? आला, कुछ फासले से मेरे पीछे चलते रहना। आगे चलेंगे। सरदार ने मेरे मुआहदा हमको रद्द कर दिया। इस मुआहदे को पहली बार तुमने तोड़ा था एरिस। मेरी तलवार से तुम्हारी पुश्त पर नक्श होने वाला जख्म याद दिलाने के लिए काफी है। मेरे भतीजे गुंदूस ने जैसे तुम्हें आंख से अंधा कर दिया, ऐसे ही तुमने अमन सुकून को बीनाई से महरूम कर दिया। कुछ और कहना है तुम्हें बंसी साहब? मैं अपनी बात कह चुका हूँ। हमारे सरदार उस काम को मुकम्मल करने की ख्वाहिश रखते हैं जो पहले उन्होंने अधूरा छोड़ा था। तो फिर मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची फरार होने की बंसी साहब।
तुम वो मलून हो जो मासूम बच्चों तक को अगवा कर लेता है। मैंने तुर्क सिपाही की जान बचाई थी, तुम्हारे सरदार ने क्या किया? मेरे किले का मुहासरा करने की कोशिश की तो मैंने अमन सुकून के लिए उसके बेटे को अगवा कर लिया। तो अब बताओ मुझे, किसने इस मुआहदे को तोड़ा है? ना तुम अमन सुकून को कायम रख सकते हो और ना ही जंग ईमानदारी से लड़ सकते हो। अब मजीद कोई भी लफ्ज और जरा भी सब्र बाकी नहीं रहा हमारे पास। अपने इलाके और सल्तनत की हिफाजत के लिए जो जरूरी इकदाम थे वो मैंने सब किए बंसी साहब, और आगे भी अपना ये अमल बरकरार रखूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार को बता दो कि वो अच्छी तरह जान ले, ना तो मैं खुद को और ना ही अपने किले को उनके हवाले करूंगा। बादशाह की फौज अनकरीब यहां पहुंच जाएगी, उनके पहुंचने के बाद मैं इन दीवारों के पीछे नहीं रहूंगा, बाहर निकल के तुम सबको मार डालूंगा मैं। हमने अपनी तलवारों को सीने में जलने वाली इंतकाम की आग से सैकल किया है। आने दो फौज को एरिस। सिपाहियों अब चलते हैं यहां से, पत्थर के इस पिंजरे में अब हमारा काम खत्म हुआ। चलो लकड़ी पहिया बनाने के लिए मुनासिब नहीं, हमें इसके लिए मजबूत लकड़ी चाहिए होगी। मंजनी के जाएंगे इस पर, मंजनी के। जैसा आपका हुकुम। ये क्या है? हाँ क्या है ये? ये तो बहुत छोटा बनाया है तुमने, कैसे फेंकोगे इससे पत्थर? हमें एक बहुत अजीम किले पर हमला करना है, बड़ा बनाओ इससे। जैसा आपका हुकुम जनाब। ये मंजनी के हमारी जरूरत के मुताबिक तैयार हो पाएंगी? मेरा मतलब है कि क्या ये काफी होंगी? काफी होंगी इंशाल्लाह सांसा, काफी होंगी इंशाल्लाह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मंजनीकें कितनी तादाद में है, इसका मजबूत होना जरूरी है। एक मजबूत मंजनीक भी काफी है। हमें इससे सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंकना बल्कि जरूरत पड़ी तो आग और बारूद भी फेंकना होगा। इसीलिए इसके बाजू मजबूत होने चाहिए जो टूट ना सकें, जल ना सकें और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद आसानी से साफ किया जा सके। हर कोई बिल्कुल वैसे ही काम करेगा
जैसा कि मैंने बताया है, हर मंजनीक 10 सिपाहियों के मिलकर उठाने के बराबर भारी होनी चाहिए। अगर वक्त पर यह काम मुकम्मल ना हो सका तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाओगे और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें, याद रखना। जैसा आपका हुक्म जनाब। चलो काम जारी रखो। बहुत बेहतर जनाब। जब मंजनीक जलाकर उसके सिपाहियों को खत्म कर दूंगा मैं, तो वो चावदार कबीले पर हमला करके सरदार बन जाएंगे। बहुत खूब, तुम लोगों ने अपना कबीला अर्तुरुल को बेच दिया, असल गद्दार तो तुम हो, खत्म कर दो। कौन हो तुम?